आज के इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे गुलाटी साहब? गुलाटी साहब हमेशा एक धमाकेदार नए लोगों को मौका देते हैं और बड़ी फिल्मों को टक्कर देते हैं, तो इनकी इनकी जो जो भी काम करने का स्टाइल है बहुत अच्छा है और हम लोग तो बड़े ज़माने से इनके साथ जुड़े हुए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं और जितने भी जो नए चेहरे हैं उनको पेश करेंगे, तो ये फिल्म भी बहुत अच्छी चली 50 डेज, एक बहुत बड़ी बात है और ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में इस फिल्म ने इतना लंबा पीरियड बनाया, तो मैं इनसे मुबारकबाद देता हूँ। अच्छी फिल्म बनी है और हम सब ने काम किया इसमें, फिल्म का एक हिस्सा। अली सर, आज के दौर में 50 दिन मनाना, अब 3 दिन में खेल खत्म होता है, क्या कहेंगे आप? पहले बहुत बड़ी बात है, इसीलिए तो ये क्या, ये इनकी एक अच्छी सोच है, सब्जेक्ट पे बड़ी मेहनत करते हैं और मैं दिलीप भाई को बैंडा से जानता हूँ, जब मैं उस ज़माने में रेलवे क्वार्टर में रहता था, ये बनी में रहते थे, तब से लेके लोखंडवाला तक हम लोग साथ साथ हैं, मेहनत बहुत करते हैं। फिल्म छोटी हो उससे मतलब नहीं, फिल्म पे कितना तवज्जो देना, सीन्स पे, उसके गाने पे, एक्टरों पे मेहनत करते हैं, भाभी जी जो हमारी हैं ये सारी चीज़ का ख्याल रखते हैं, पप्पू भाई जो हैं कोरियोग्राफर हैं, माशाल्लाह बड़ा जमा देते हैं गानों को, कुल मिला के एक टीम वर्क, एक अच्छा काम करते हैं, इसीलिए फिल्में चलती हैं। बॉन्डिंग की बात, तो आप दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, ये तो हम सभी देख रहे हैं। बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, देखिए मैंने तो बड़ी से छोटी फिल्में भी की है लेकिन कभी दिलो दिमाग में ऐसी बात नहीं आती है, जब भी दिलीप भाई का कॉल आता है कि भाई आप चाहिए इस फिल्म में और सिर्फ 2 सीने 3 सीने तो भी मैं आ जाता हूँ। जी, तो मतलब हम ये समझे कि आगे चल के आपको शायद से मेन लीड भी मिल सकता है। हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अभी इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। अभी अली भाई मेन लीड में ही है, स्टार्ट अली भाई से ही होता है फिल्म। जी जी, तो अभी आपके और कौन कौन से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? फिल्में फिल्में तो बहुत हैं लेकिन ये कि अभी जो जिस फिल्म के लिए हैं दिलीप भाई को मुबारकबाद देने, उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और अब इनसे आप पूछिए, हम लोगों के वेल विशर हैं, हम लोगों के एक तरीके से एक जो होता है ना चाहने वाले। जी तो जी, जो ईद के मौके, हाँ ईद के मौके, हाँ ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, तीसरा दिन है, पूरे रोज़ा रखा हम लोगों ने और बड़ा मुतबरक महीना था, बड़ा पाक महीना था और अभी तक कमजोरी है, आवाज़ है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हुए क्या रुकते हुए कहूँगा कि ये शायद रमज़ान के महीने में जो लोगों ने मेरे लिए दुआएं की उसी का ये आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होकर कि मेरी फिल्म 50 दिन, इसमें मुझसे ज़्यादा दुआ होगा सर। ईद की बात करें तो आपने इनको घर ईद बुलाया कि नहीं, बिरयानी खिलाई, सिवाई खिलाई कि नहीं? मेरा घर है, सीधे घर पे आ रहे हैं। हाँ, ईदी मिली है आपको इनसे? अभी लूँ आपको चाहिए इसके बाद ईदी 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 लेने ही आए यहाँ से। पप्पू जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो इतना खुश हूँ कि मेरी बिग माफिया इतनी बड़ी पिक्चर 50 हफ्ते चली, 50 माफिया का सरगना आप लग रहे थे, तो मैं हूँ गाना, एक आइटम सॉन्ग करवाया दिलीप जी। अच्छा, दिलीप जी से डांस करवाना कितना मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था, ये तो इनके रिदम है, एज ए डायरेक्टर, एज ए टेक्नीशियन, कितने साल से और हम लोग का कैरियर साथ में शुरू हुआ है, तो इनको डांस बहुत ईजी करवा लिया, इन्होंने डांस कम किया, लड़की ने इनको काफी डांस किया। जी, आप फिर इनको कितने टाइम से जानते हैं और आप दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है इंडस्ट्री में? जब से बचपन से ये लाइन में आए थे कोरियोग्राफर दिलीप जी के साथ, कंटिन्यूस सारी पिक्चर, भोजपुरी, हिंदी, सारी पिक्चर इनके साथ मैं करते आ रहा हूँ आज तक। जी, जो ये जो फिल्म है आपकी बाकी फिल्मों से कितने डिफरेंट है, जो इसके 50 डेज पूरी हो चुके हैं? ये एकदम हटके पिक्चर है, इसमें माफिया साहब हमारे सामने खड़े, पूरी सब्जेक्ट माफिया में, एक नया कुछ